हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आज की शिक्षा स्पेशल अनॉइंटिंग पर है, इसलिए इस शिक्षा को पूरा सुनना। मेरा विश्वास है कि इस शिक्षा को सुनने के बाद आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। चाहे आपके कैसे भी दुख, तकलीफ या हालात हैं, परमेश्वर निश्चय ही आज के वचन के द्वारा खत्म करेगा। इसलिए विश्वास के साथ सुनना और पूरा सुनना। आमेन। हम वचन को निकालेंगे, प्रेरितों की पुस्तक, पंजाबी में उसे बोलते रसूला के कर्तव्य, उसका 14 अध्याय, उसकी 8 आयत से हम पढ़ेंगे। ध्यान से हैं, अगर जल्दी, किसी की इतनी स्पीड नहीं है कि वो जल्दी जल्दी से वचन को निकाल कर वो मेरे साथ वो पढ़ सके, नहीं है तो फिर ऐसा किया करो कि आप नोट किया करो, वचन को क्या किया करो, नोट किया करो और मेन सुना करो। क्या करो? सुना करो, आप नोट कर लिया करो वचन को, और इसको घर में जाकर पढ़ना मेन है कि आप सुनो। क्या सुनो? तो लिख लो 14:8 से लेकर ये 18 तक लिख लो, ठीक है? 14:8 से लेकर 18। तो यहाँ पे ऐसे लिखा, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। अगर लाइव नहीं है तो उसको बोलो इसे रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड में ले लो। अगर नहीं चलेगा तो ये अलग से काटकर इसको रिकॉर्डिंग में लो। हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर तो क्या लिखा, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। क्या लगा? उछल कर। लिखा एक जन्म से, ध्यान से सुनना, कैसी जन्म से वो लंगड़ा था। तो लुस्त्रा में प्रेरित पौल किसकी बातें बता रहा था, किसके वचन उन्हें समझा रहा था? तो एक जमांदरू लंगड़ा, लिखा परमेश्वर की बातें, मतलब बातें बातें तो संसार की वो नहीं करता, किसकी बातें करता होगा, किसकी बातें करता हो, परमेश्वर की। हाँ, तो लिखा वो टकटकी लगाकर सुन रहा था। टकटकी मतलब समझ, ऐसे नहीं कभी इधर देख रहा कभी उधर, कौन आ रहा कौन जा रहा है, ऐसे सुन रहा था बहुत ऐसे ध्यान से। किसकी और अपने, हाँ, अपना ध्यान किसकी और लगाया था, ऐसे सुन रहा था, पौलुस को ऐसे देख रहा था। और परमेश्वर ने उसके मन और उसकी चाहत और उसके विश्वास को देखा। क्या देखा? बोलो क्या है? उसके मन और चाहत, उसके विश्वास को देखा। तो परमेश्वर ने अपनी दास प्रेरित पौल को इस्तेमाल किया और उसके मन में अपनी शुभ इच्छा को डाला। क्या डाला? जैसे फिलिपियों 2:13 में क्या लिखा है, परमेश्वर ही है जो अपनी इच्छा और शुभ इच्छा दोनों को, दोनों बातों को, नेक काम के अरादे को पूरा करने का प्रभाव कौन डालता है, कौन डालता है, परमेश्वर ही है। अपने नेक काम के अरादे को पूरा करने का प्रभाव कौन डालता है? जैसे अभी आप आए हो, अगर आप विश्वास से, चाह से आए हो, तो आपके मन में जो इच्छा है उसी आपकी इच्छा और परमेश्वर की सुविच्छा, तो दोनों बातों को वो मिलाकर कौन पूरा करता है? बोलो कौन पूरा करता है? परमेश्वर पूरा करता है ना। तो ऐसे ही प्रेरित पौल के मन में ऐसे परमेश्वर ने डाला। जैसे अभी हमने बहुत सी ऐसी टेस्टामनी सुनी, सुनी ना हमने बहुत सी गवाहियां ऐसे सुनी। हाँ, बोलो क्या सुनी? बहुत सी ऐसी गवाहियां बोली कि परमेश्वर ने कैसे उनके लिए ऐसे मेरे मुंह से प्रोफेटिक वर्ड दिया। हाँ, प्रोफेसी वर्ड दिया, प्रोफेटिक वर्ड दिया। हाँ, समझ आ रही है? तो कैसे उन्हें डिलीवर किया, आजाद किया, आज भी कर रहा है।
बोलो क्या कर रहा है? आंस भी ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आंस बड़े काम नहीं कर रहा, आंस भी कर रहा है। क्योंकि जितनी बोलो क्या है? जितनी आपका बड़ा विश्वास है, जितना आपकी बड़ी चाहत है, उतने ही आप बड़े कामों को देखो। क्या देखोगे? उतने ही आप बड़े कामों को, जितनी आप भूख से प्यास से परमेश्वर के पास आओगे, उतना ही आपको परमेश्वर उतना ही तृप्त करेगा। बोलो क्या करेगा? उतना ही आपको तृप्त करेगा, जितनी आप भूख से आओगे, प्यास से आओगे। तो इसलिए यहां पे परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया, बड़ा मिरेकल किया। किसके द्वारा? अपने दास प्रेरित पॉल के द्वारा। समझ आ रही? पर आगे हम अगर हम 11 में पढ़ते हैं तो लिखा, लोगों ने पॉलस का ये काम देखकर लुकुनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में हमारे पास उत्तर आए हैं। क्या आए हैं? लुकुनिया ऐसे अपनी भाषा में, है ना, समझ रहे हो? तो क्या कहा? देवता, हाँ, देवते के रूप में ये मनुष्य हमारे नगर में उतर आए हैं। क्योंकि ऐसा काम उन्होंने सोचा कि मनुष्य तो कर नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? जैसे संसार में बोलते हैं ना, जो क्या होते हैं, जिसको लोग मानते हैं, क्या करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो उन्हें पता उनमें शक्ति है। तो हम जैसे मैं हूं, तो मैं तो को क्या हूं, मैं कोई देवता तो नहीं हूं, मैं कोई देवता हूं, मैं भी एक इंसान हूं। पर परमेश्वर ने मुझे अपने काम के लिए नियुक्त किया। क्या किया? मेरी नियुक्ति की, मुझे ठहराया। क्या किया? मुझे ठहराया। समझ आ रही? इस काम के लिए कि मैं, जैसे यीशु को उसने उसका अभिषेक किया, किस काम के लिए? तो उसके बाद आज उसने, आज भी परमेश्वर ने क्या किया है, है ना, समझ आ रही है? तो आज भी अभिषेक किया मेरा परमेश्वर ने उस काम के लिए। बोलो क्या किया है? उस काम के लिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, मुझे अनॉइंट किया है, समझ रहे हो? इसी रीति से परमेश्वर ने पॉलस को भी किया, बहुत से दासों को किया। इसीलिए अगर आप अमोस की पुस्तक उसका 3:7 पढ़ो, तो वहां पे ऐसे लिखा है कि परमेश्वर, इस वचन को पढ़ना, नोट करो, इस वचन को पढ़ दो जल्दी से, अमोस 10:1। अमोस की पुस्तक, अभी बताता हूं। तो अमोस की पुस्तक, एक सेकंड में बताता हूं आपको कैसे लिखा वहां पे। तो हाँ, मिल गया, 3:7 लिखा, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भिक्षुकताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। क्या ना करेगा? अपना परमेश्वर अपने दास भिक्षुकताओं, क्या है, पर अपना मर्म बिना प्रकट किए अपना काम कोई भी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? इसलिए जब इज़राइली, जब उस तराई में, जब वो फिलिस्तीनियों से युद्ध करते मर गए, बोलो क्या है, हाँ, तो उनकी स्त्रियों ने ऐसे दुहाई दी परमेश्वर की। क्या दी? दुहाई दी उनकी स्त्रियों ने, जो मर्द मर गए उस युद्ध में, तो स्त्रियों ने दुहाई दी। तो लिखा, इसीलिए वो जो लोग मरे हुए थे उनकी हड्डियां थी उस तराई में पड़ी। तो परमेश्वर ने हिजकियल को इस्तेमाल किया। किसको इस्तेमाल किया? हिजकियल को इस्तेमाल किया कि के हिजकियल इन सूखी हड्डियों को क्या कर, बोलने कि क्या हो जाए, सब एक जगह क्या हो जाए, इकट्ठी हो जाए। पहले तो परमेश्वर ने उसे पूछा, बता हिजकियल, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती? बोलो, कभी ऐसा काम हो सकता है इस संसार में, मुझे बताओ? मान लो एक बंदा मर गया, उसका जो क्रंक है, हड्डियां होती ना, हड्डियां, जैसे जब बंदा मर जाता तो उसकी आंख से हम हड्डियां निकाल देते हैं ना, बोलो, समझ आ रही है? तो चाहे उसको दबाया है, तो उसको अगर हम फिर से उसे बाहर निकालें, तो उस हड्डियों को उसके ऊपर, वो कभी हड्डियां कभी दोबारा जी सकती है? पर ऐसे काम कौन कर सकता है? बोलो, कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है।
बोलो क्या कर सकता है परमेश्वर? ऐसे काम कर सकता है। तो परमेश्वर ने जब अपने दास हिजकियल को कहा कि बोल इन सूखी हड्डियों को, पहले बता तू बता क्या जी सकती, उसने कहा परमेश्वर मुझे क्या पता, क्योंकि चाहे वो एक दास था परमेश्वर का, हाँ, पर उसे वो कैसे समझ सकता कि ऐसे हो सकता है। पर परमेश्वर उसे कहा बोल। वो काम परमेश्वर खुद भी तो कर सकता था, पर हिजकियल को क्यों ही इस्तेमाल कर रहा है? बोलो क्या है? वो काम परमेश्वर खुद भी कर सकता था, पर हिजकियल को क्यों इस्तेमाल कर रहा था? क्योंकि परमेश्वर, जैसे अमोस की पुस्तक में लिखा कि परमेश्वर अपना कोई भी काम अपने दास भिक्षकताओं के बिना मरम, बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए आप न्यू टेस्टमेंट अफिसियों की पत्री 4:11 पढ़ो तो वहां पे भी परमेश्वर ने कहा मैंने अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए, हाँ, प्रथम प्रेरित, हाँ, भविष्यता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले, उपदेशक, अलग अलग, हाँ, समझ आ रही है? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हाँ, मसीह लोग, पवित्र लोग सिद्ध हो और मसीह की दे उन्नति पाए और सेवा का काम किया जाए। क्या किया जाए? सेवा का काम किया जाए। अब लंगड़ा किसके काम के लिए तैयार हो गया, किसकी गवाही देने के लिए तैयार हो गया, जिसको किसके द्वारा परमेश्वर ने चंगा किया, किसके द्वारा चंगा किया? पर ये कैसे चंगा हुआ? इसके अंदर बहुत तेज चाहत, इसका बड़ा फेथ था, बड़ा विश्वास था। बोलो क्या था? जो हमारा बनता नहीं, क्या नहीं करता, जो हमारा फेथ, जो हमारा विश्वास बनता नहीं। बोलो क्या है? जो हमारा विश्वास बनता नहीं। पर यहां पे क्या हुआ? जब बड़ा काम तो परमेश्वर ने किया, क्या किया? बड़ा काम किया, तो वहां के नगर के जो लोग थे, लिखा लिकुनिया की भाषा में वो बोलने लगे, देवता मनुष्यों के रूप में हमारे नगर में आ गए। क्या आ गए? क्योंकि ऐसे काम मनुष्य नहीं कर सकता। पर आगे से प्रेरित पॉल ने उन्हें क्या कहा, हम आगे पढ़ते हैं क्या कहा। तो आगे लिखा 12 में लिखा, उन्होंने बर्नबास को ज्यूस और पॉलस को हिर्मेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। जी ऐसे क्यों कहा? और है ना, उन्होंने बर्नबास को ज्यूस और पॉलस को हिर्मेस, ये उनके नगर के देवता के नाम थे। क्या थे? उनके नगर के देवता के नाम थे, जिन देवताओं के नाम से बर्नबास और पॉलस को उस नगर के लोग ऐसे उनका नाम लेकर पुकारने लगे। समझ आ रही है? तो लिखा, ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों का हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था, परंतु बर्नबास और पॉलस प्रेतों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुन्दर और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और कहां से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। ये कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। ध्यान से समझो, ये बड़ा वचन है अगर आपको समझ आ गया। क्या आ गया? तो जब ऐसा काम, जैसे मान लो मैं, मेरे द्वारा परमेश्वर कर रहा, क्या कर रहा है, तो मुझे लोग क्या समझने लगे? रब, परमात्मा, हाँ, मुझे उस खुदा का दर्जा देने लगे। हाँ, मैं है तो मैं मनुष्य, बोलो क्या हूं मैं? है तो मैं कौन हूं? मनुष्य। तो वो उन्हें पॉलस और बर्नबास को परमात्मा का दर्जा देने लगे। क्या, कैसे देने लगे? परमात्मा का दर्जा। समझ आ रही है? तो उन्होंने इसलिए लिखा, जब उन्हें
बलद फूलों के हाल बलिदान करने के लिए उनके लिए आगे उन्होंने कपड़े फाड़े और उन्होंने कहा हम भी तुम्हारे समान दुख सुखी मनुष्य हैं, हम उस परमेश्वर के बारे तुम्हें बताते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी जो समुन्द्र जिसने सारा कुछ बनाया। बीते समय में उन्हें उसने सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया तो भी वो है ना अपनी फलवंत ऋतु सब कुछ उन्हें वर्षा करके सब भोजन वस्तुएं सब वो देता रहा। क्या रहा वो? जैसे आज भी सब लोग तो जीसस पर सच्चे उस परमेश्वर पर विश्वास तो नहीं करते कि सब लोग करते आज भी तो नहीं ना करते, आज भी तो सब लोग अपने अपने धर्म में अपने अपने खुदा को मानते सब तो उसे तो नहीं मानते ना जो जीसस ने कहा सत्य मार्ग मैं हूं मैंने मेरा बिना द्वारा कोई उसे पिता को मिल नहीं सकता। तो आज भी लोग क्या कर रहे हैं अपने अपने मार्गों में चल रहे। तो आज भी परमेश्वर क्या कर रहा है जैसे उस समय क्योंकि ये जिस समय ये बड़ा काम हुआ उस समय आज तो बहुत लोग क्योंकि आज तो मसीह में जो लोगों की तादाद है बहुत बढ़ गई बहुत ज्यादा। जब मैं छोटा था तो मैंने कभी अपने बचपन में जब मैं 10-12 साल का था मेरी एज थी मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, मैंने नाम भी नहीं सुना कि यीशु भी इस दुनिया में कोई है क्योंकि कभी सुना नहीं क्योंकि वो उस समय के जो लोग थे वही वही उन जगहों में जाना वही संसार की चीजों को करते थे। आज तो कहीं भी किसी गांव में चले जाओ शहर में चले जाओ आज सबको पता है यीशु के बारे में। आज पता है कि नहीं? पहले नहीं लोगों को पता था। जब मैं 10-12 साल का था बिल्कुल नहीं मुझे पता था कि यीशु भी कोई है इसीलिए वो भी लोग जानते नहीं थे तो उन्होंने ऐसा उनके लिए उसे ऐसा बलिदान करना चाहा पर उन्होंने सत्य वचन बताया कि हम भी तुम्हारे समान हैं पर हम तुम्हें बताते हैं कि वो कौन है, है ना? वो स्वर्ग और पृथ्वी का जो परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया जो समुंदर उसमें सब कुछ है, हाँ समझ आ रही? उसके बारे उन्होंने बताया कि वो कौन है। फिर उन्होंने कहा बीते समय उसने सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलना दिया पर सब कुछ फिर भी वर्षा ऋतु सब फल चीजें आज भी जैसे परमेश्वर दे रहा है ना सबको दे रहा है क्योंकि वो सबसे क्या करता है। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा जो नहीं जानते जैसे वो धर्मियों और अधर्मियों पर दोनों पर दया करता है। एक धर्मी पर क्योंकि हम अब क्या है अधर्मी है कि धर्मी है बोलो क्या है? आपको पता होना चाहिए ना अपनी मसीह में आपकी जो पहचान है आपको पता होना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको वो राजा की बात जैसे उस राजे के बेटे को नहीं पता वो खो गया तो वो समझता मैं भिखारी का बेटा हूं तो उसे नहीं पता था बोलो क्या है? उसे नहीं पता था। तो आज अगर आप मसीह में हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि नहीं होना चाहिए समझना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर धर्मियों और अधर्मियों पर दोनों पर सूरज अपना उदय करता है मीं भी बरसाता है धर्मी पर और अधर्मी पर बोलो क्या करता है? दोनों पर क्या करता है? अगर जो नहीं जानते उन पर परमेश्वर इतना कर रहा है उन्हें सूरज दे रहा है उनको हवा दे रहा है पानी दे रहा है सब कुछ वो फल सब्जियां फ्रूट सब कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा परमेश्वर सब कुछ दे रहा है ना। तो उसका कहने का मतलब था धर्मी और अधर्मी पर परमेश्वर सूरज उदय करता है मीं बरसाता है तो जो नहीं जानते वो उनके लिए कर रहा है। यहां पे भी पौलुस ने ऐसे कहा ना वो कौन है? तो जो जान लेगा जो उस पर विश्वास करेगा उसके लिए मुझे बताओ कितना होगा? नहीं समझ आई लगता कहीं होगा समझ नहीं आई ध्यान से फिर से मैं समझा। जैसे भाई मैं लिखा सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। किसके वश में पड़ा है? दुष्ट के। क्योंकि दुनिया का मालिक जो परमेश्वर वो पवित्र है और जो इस पृथ्वी में जितने लोग हैं जितनी भी जातियों के जितने भी धर्मों के वो पाप से पैदा हुए और पापी मनुष्य का परमेश्वर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं कोई भी संबंध नहीं कोई भी रिश्ता नहीं है। बोलो क्या? कोई भी रिश्ता नहीं है। समझ आ रही है? तो अगर उनका रिश्ता नहीं है बोलो क्या? वो जानते नहीं कौन है जीवित परमेश्वर कौन है जो रोज सूरज निकालता कौन ये हवा को चल रही है ना कौन मौसम जैसे बदलते हैं हाँ मौसम बदलते हैं कि नहीं बदलते कैसे ऋतुएं बदलती है
तो ये सब काम कौन कर रहा है? तो लोगों को नहीं पता। इसीलिए ऐसे यीशु ने कहा कि वो धर्मी और अधर्मी पर, हाँ अधर्मी मतलब जो उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि हर मनुष्य पापी है, पाप से पैदा हुआ है, अपने माता पिता से पैदा हुआ और परमेश्वर से दूर है। इसलिए जीसस को परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि हर एक को उसके साथ मिलाए। क्या मिलाए? तो वो जब यीशु पर विश्वास करता है तो वो मनुष्य पापी नहीं, वो क्या बन जाता है? धर्मी। क्या बन जाता है? धर्मी मतलब परमेश्वर की संतान बन जाता है, जब वो मन से यीशु को अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता मानता है। क्या मानता है? समझ आ रही है? तो वो उसकी संतान, उसके लोग बन जाते हैं। अब हम पापी नहीं, फिर धर्मी बन जाते हैं। एक एक वो लोग हैं जो विश्वास नहीं करते यीशु पर, वो अधर्मी है, और हम हैं धर्मी जिनकी परमेश्वर सुनता है, लेकिन वो पापियों की नहीं, धर्मियों की सुनता है। हमें समझ आ रही है? पापियों के नहीं परमेश्वर, धर्मियों की सुनता है। आज वो मसीह में हमारी सुनता है। हमें सुनता है कि नहीं सुनता है? सुनता है ना? ये तो हम कैसे परमेश्वर की, हाँ, जीवित गवाहियों को कैसे दें? मेरे जीवन में परमेश्वर ने यह काम किया, वो किया। समझ आ रही है? और ये मैं आज का जो मैसेज है, मुझे विश्वास है जितने लोग इसे समझेंगे और उस फेथ से, उस नियम से चलेंगे, वो बहुत आगे जाएंगे और उनके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। मैंने कहा बड़े बड़े काम होंगे, और देखेंगे वो परमेश्वर के बड़े कामों को। पर कैसे वो देखेंगे? जब वो उन बातों को जो मेरे मुंह से जब वो लेंगे, तो वो शरीर से नहीं, जब वो आत्मा से लेंगे। क्या लेंगे? तो अभी यहां पर बड़ा काम परमेश्वर ने अपने दास प्रेरित पॉल के द्वारा किया, पर क्या हुआ कि वो उन्हें रब मतलब परमात्मा का दर्जा देने लगे, जिसके लिए उन्होंने सही चीज बताई। क्या बताई? किस पर फेथ करो, किस पर विश्वास करो, किसके नाम का विश्वास करो, किसने ये काम किया, तो सही चीज बताई ना। और सही चीज के साथ साथ हम और भी, चलो वचन में जाते हैं, हम इसी बुक में प्रेरितों की पुस्तक रसूलन देकर, तो आप चाहेंगे पांच अध्याय में, पांच निकालो, तो पांच की बारह पढ़ते हैं। तो पांच की बारह में लिखा, प्रेरितों के हाथों से बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के वो सारे में इकट्ठे हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी को यह हयाब ना होता था कि उनमें जा मिले, क्या मिले, उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहां तक के लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लेटा देते थे, कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए तो यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए को ला लाकर इकट्ठे होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। आमीन। बोलो क्या किया जाते थे? सब अच्छे कर दिए जाते। ध्यान से सुनो इस वचन का, इस मतलब को ध्यान से समझो। लिखा, प्रेरितों के हाथों से बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच दिखाए जाते थे, और सब लोग एकचित होकर सुलेमान के औसरे में इकट्ठे होते। क्या होते थे? किसमें? जो सुलेमान के द्वारा परमेश्वर ने, इसे पंजाबी में क्या लिखा है, औसरे में, तो समझ आ रही है क्या लिखा है पंजाबी में? सुलेमान के औसारे, क्या कहां पे बैठे हो? मुझे बताओ जल्दी से पंजाबी में क्या लिखा है इसे? हाँ, लिखा, परंतु औरों में से किसी को ये हयाब ना होता था उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे, क्योंकि परमेश्वर क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? अपने चेलों के द्वारा अब बड़े बड़े काम कर रहा है। क्या कर रहा है? बोलो, अपने चेलों के द्वारा क्या कर रहा है परमेश्वर? बड़े बड़े काम कर रहा है।
पर लिखा तो भी लोगों को हयाब न, वो उन कामों को देखकर वो हैरान तो हो रहे थे। हयाब मतलब जैसे आज भी अगर परमेश्वर बड़े काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जहां आपके साथ परमेश्वर कर रहे हैं, तो आपके जो पड़ोसी हैं, आपके गवांडी हैं, उन कामों को देखें, पर वो बड़ाई करेंगे, ओ धन्यवाद परमेश्वर का, है ना, हाँ, पर वो उनका ऐसे मन नहीं करेगा कि हम भी किसके पास जाएं, है ना, क्या करें, हम भी किसके पास जाएं, समझ आ रही मेरी, हाँ, दलान, दलान बोलते पंजाबी में, है ना, ऐसे दलान, तो धलान ऐसे करके एक चगे, है ना, समझे हूं, तो वहां पे सब लोग क्या होते थे, इकट्ठे होते थे, क्या होते थे, बोलो क्या होते थे, उसमें इकट्ठे होते थे, किसकी हाजूरी में, किसकी बातों को सुनने के लिए, समझ आ रही है, तो फिर भी लोग बड़े कामों को देखकर परमेश्वर की बड़ाई तो करते थे, पर ये हयाब नहीं था कि हम भी उनमें जा मिले। जैसे आज भी लोगों को सबको पता है कि मसीह के नाम में कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं कि नहीं, अगर आप गवाही दे रहे हो आपके जीवन में हो रहे हैं, तो पड़ोसी हैं, कई कई बार तो घर वाले में नहीं विश्वास करते, क्या नहीं करते, घर वाले में नहीं करते, ऐसे लिखा परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहा था और लोगों ने उन कामों को देखकर उनके अंदर इतना फेथ, इतना विश्वास आ गया। ध्यान से सुनो, मुझे उठने, आज मुझे सब लोग सुनो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, अपने आप उठेगा ये परमेश्वर की हजूरी, अपनी जगह बैठो, ये अपने आप उठेगा, अभी उठेगा, अपनी जगह पर बैठो, छोड़ दो उसे, अरे उनको बोलो मत बैठो, जो मैं कह रहा हूं अपनी जगह पर बैठो, वहीं पर आओ, जो कैमरे में उसको लो, इस बच्चे को कैमरे में लो जिसे दौरा पड़ा है, देखना परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को देखेगा और ये अभी उठेगा, और देखो ये देखो ये देखो, तारीफ करो उस खुदा की, अरे हमारा यही चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं, अगर हम अभी हम उसे जैसे दौरा पड़ा ना, तो उसकी मां देखो वो दौड़कर उसके पास चलेगी, यही चीजों में हमने बार आना है। अभी मैं बोल नहीं रहा था ये अभी उठेगा, क्योंकि जब अरे उसको मत देखो, जब तक ये अरे आपसे ज्यादा चिंता वो सर्वशक्तिमान हमारी करता है, जो हमें जीने की सांस दे सकता है, बोलो क्या है, दे रहा है कि नहीं दे रहा, अगर वो सांस ना दे ये हवा में तो हम जी सकते हैं, अगर हमें सांस दे सकता है तो आपको उसके पास जाने के नहीं है, देखो वो आपके पास आ गया, ये देखो यही है ना जिसे दौरा पड़ा था, देखो उसे कैमरे में लो, अभी दो मिनट पहले इसे दौरा पड़ा, देखो और देखो अभी जैसे परमेश्वर का, इसको कहते फेथ, अगर ये चीज आपके अंदर आ गई, जब ऐसा कुछ हो ना तो जल्दी से रिकॉर्ड किया करो, थोड़ी समझ रखा करो, ताकि लोगों को पूरा प्रूफ नहीं दिखाएंगे तो विश्वास कैसे करेंगे, समझ आ रही मेरी, क्योंकि जब हम संदेह, शक, डर रखते हैं, इसलिए अयूब क्यों कहता है, अयूब पर पता कितनी विपत्ति आई, बड़ी विपत्ति आई ना अयूब पर, क्या आई अयूब पर, बड़ी विपत्ति आई, और कुछ लोग ऐसे प्रीच करते हैं कि अयूब की परमेश्वर ने परीक्षा ली, नो 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 नो, परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता, परमेश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता, वो किसी की हड्डी नहीं तोड़ता, किसी को अंधा नहीं करता, किसी को वो गूंगा नहीं करता, बोलो क्या है, किसी को वो गूंगा बहरा नहीं करता, ये सब पाप है, बोलो क्या है, ये सब पाप की वजह से सारे काम है, जिसके लिए यीशु आया और वो छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए, इसीलिए ये जो आज ये मैं स्पेशल अनॉइंटिंग मीटिंग आज जो है ये संडे भी चलेगी, और अगर और परमेश्वर ने चाहा तो और बताएंगे, ताकि परमेश्वर को उसके कानून की, उसके नियम की समझ आए, उसके काम करने की, अभी मैंने उन्हें टीच किया, समझाया अब, क्योंकि वो डर के मारे हो, बच्चे को कुछ हो गया तो मैंने कहा आप आ जाओ, जैसे ही सही चीज परमेश्वर के नियम अनुसार की तो दो मिनट में क्या हो गया, ऐसे करता है काम परमेश्वर, जब समझ आ जाए, क्या जाए, क्या जाए, जब
समझ आ जाए जब समझ। तो इसलिए यहां पे लिखा प्रेरितों के हाथों परमेश्वर बड़े चिन्ह और चमत्कारों को क्या कर रहा था, कर रहा था। लिखा लोग विश्वास से, वो बड़ाई तो परमेश्वर की कर रहे थे, पर ये हाब नहीं होता था कि हम भी उनमें जा मिले। अगर आपके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है तो सारे रिश्तेदार तो नहीं आ पा रहे, आपके गली वाले लोग तो नहीं आ रहे, नहीं ना आ रहे। इसी रीति से उस समय परमेश्वर कर रहा था, समझ आ रही। तो लिखा लोग अपने, जो लोग बीमार थे, मंजियों पर पड़े थे, क्या पड़े थे, लिखा उनका फेथ, उनका जो विश्वास था, ऐसे परमेश्वर के दास के प्रति बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया कि जब पतरस आए तो उसका परिश्रमा भी हमारे मरीजों पर पड़ जाएगा तो हमारे मरीज क्या हो जाएंगे। ऐसा फेथ आ गया, ऐसा विश्वास आ गया। अगर आपका फेथ ये आपको नहीं पता कि परमेश्वर ने मेरी नियुक्ति की है, अब मैंने अभी दो चीजें अभी मैं क्लियर करूंगा, एक और वचन आपको पढ़ाकर, अगर आपको ये नहीं पता कि परमेश्वर ने मेरी नियुक्ति की है, मुझे इस काम के लिए ठहराया है, तो परमेश्वर क्या करेगा, क्या करेगा, ये जो बोलेंगे, जो कहेंगे, ये खुदा के दास है, परमेश्वर ने इन्हें नियुक्त किया है, ये बोलेंगे जो कहेंगे परमेश्वर के द्वारा करेगा मेरे लिए, क्या करेगा, परमेश्वर के द्वारा मेरे लिए करेगा। तो लोगों का फेथ आया, लिखा लोग बीमारों को हाँ अपनी चारपाई पर वो लेकर रस्ते में के, अभी पतरस आएगा तो परशामा भी पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा। जैसे 12 साल की स्त्री का फेथ देखा ना, उसने कहा मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी। हाँ अभी उसने कोई प्रार्थना भी नहीं की, क्या नहीं की, उसका ऐसा फेथ आ गया मैं यीशु मसीह के वस्त्र को, मतलब उसके मैं कपड़े को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी। तो आज तो इशू नहीं है, आज तो इशू नहीं है, किसको छूओगे, कैसे चंगे होगे, समझ आ रही है, आज तो इशू नहीं है, फिर कैसे चंगे होगे, किसके कपड़ों को छूए। इसलिए ये परमेश्वर का कानून है, नियम है, जैसे अमोस की पुस्तक में उसने कहा कि मैं अपना काम बिना अपने दास भिक्षुकताओं के, बिना मरम, बिना प्रगट किए कुछ नहीं करूंगा, समझ आ रही है। पर अगर आपको, आप मेरी बातों को शरीर से ले रहे हो, आपको नहीं पता कि परमेश्वर ने मुझे अपना दास होने के लिए नियुक्त किया है, क्या किया है, नियुक्त किया है। तो अगर ये बात आपके मन के अंदर आ गई कि ये जो बोलेंगे, जो जो कहेंगे, जो जो वचन बता रहे हैं मेरी उन्नति के लिए, मेरे छुटकारे के लिए, मैंने विश्वास करना, मैंने इसे पूरा करना है, क्या करना है, मैंने विश्वास करना और मैंने पूरा करना है, तो देखना फिर ऐसे होंगे काम। अरे लोगों का फेथ देखो, उन्होंने कहा पतरस यहां से आएगा तो परशामा भी पड़ जाएगा, परशामा समझ देना परशाई, तो हमारे मरीज क्या हो जाएंगे। तो ऐसे हुआ, बोलो क्या हुआ, अगर ऐसा लिखा तो ऐसा हुआ भी, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, बोलो क्या है, ऐसा हुआ भी। मैंने कई लोगों को देखा कि लोगों का मेरे प्रति जो फेथ है, जो विश्वास है, मन है, जो मैं बताता हूं वो बहुत ऐसे मन से लेते हैं, बहुत मन से लेते हैं, जो कहेंगे वो हम अगर ऐसा करेंगे तो परमेश्वर क्या कर देंगे। पर अगर कोई शरीर में, तो अगर मैंने बता भी दिया, जैसे सूबेदार का विश्वास देखा, उसने कहा प्रभु के मुख से ही कह दे, आज भी ऐसे परमेश्वर करने के लिए तैयार है, बोले क्या है, आज भी परमेश्वर क्या है करने के लिए तैयार है। तो सूबेदार का विश्वास देखा, कितना बड़ा विश्वास था, उसने कहा मैं इस योगनी, तू मेरी शर्त ले, केवल मुख से कह दे तो मुझे विश्वास है, मेरा जो नौकर है, मेरा लकवे का वो सेविक है, क्या हो जाएगा। तो यीशु मसीह ने कोई हीलिंग वर्ड नहीं दिया, उसी के विश्वास से उसे वचन दिया, कोई हीलिंग का वर्ड नहीं दिया, उसने कहा तेरे जैसा विश्वास मैंने पूरे इसराइल में नहीं देखा, इसराइल देश में नहीं देखा, जहां तेरी नेचर ने, तेरे इस विश्वास ने उसे क्या कर दिया, क्या कर दिया, तेरी इस नेचर ने, उस विश्वास ने क्या कर दिया, चंगा कर दिया। तो लिखा उसी घड़ी उसका सेविक, जो लकवे का रोगी हो गया था, मरने पर था, लिखा वो चंगा हो गया। लकवे का रोगी जो मरने पर था, और उसका फेथ देखो, उसके अंदर कोई डर नहीं था, बोलो क्या था, उसके अंदर कोई डर नहीं था, उसका बड़ा फेथ था। जब बड़ा फेथ होगा, बड़ा मन होगा, डर नहीं होगा मन के अंदर, तो फिर बड़े कामों को देखेंगे, क्या देखेंगे, बड़े कामों को हम देखेंगे, समझ आ रही है। मैं क्या कह रहा हूं,
फिर बड़े कामों को हम देखेंगे, पर अगर आप शरीर में हो तो फिर नहीं होगा कुछ। समझ आ रही है? तो हम एक और वचन देखेंगे अभी। इसी की पुस्तक प्रेरितों की पुस्तक रसूलों दे करता 19 अध्याय उसके 11 अंश से पढ़ेंगे। 11 से लेकर 20 तक नोट कर लो। यहां पे लिखा, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। ध्यान से सुनो, अभी नोट कर लो, बाद में पढ़ना जाकर इसे। कैसे लिखा? 19 के 11 में, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोशे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। लिखा, और शिकवा नाम एक यहूदी प्रधान जाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपककर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। क्या निकले? सुनो, मैं समझाता हूं। लिखा, परमेश्वर पौलुस के हाथों में अनोखे काम करता था। क्या दिखाता था? अनोखे काम दिखाता था। जहां तक के रुमाल अंगोशे उसकी देह से स्पर्श कर लोग बीमारों पर डालते थे। लिखा, बीमार क्या हो जाते थे? चंगे हो जाते। क्या हो जाते थे? बीमार क्या हो जाते थे? चंगे हो जाते थे। ऐसे कपड़ा अपना रुमाल कोई भी छूकर पौलुस की देह में, बोलो क्या है, बोलो क्या है? देखो, आज जो परमेश्वर की ऑनलाइन जो उसका मसा है वो काम तो कर रहा है मुझ में, पर अगर सामने वाले का लेने वाले का वैसा मन नहीं है, वैसा विश्वास नहीं है, तो वो ले नहीं सकता। क्योंकि चंगाई कैसे काम करती है? लेने वाले के अंदर जो विश्वास है और देने वाले के अंदर बराबर नहीं है। अगर मेरे अंदर वो विश्वास है देने के लिए, अगर आपके अंदर नहीं है तो वो नहीं होगी, फिर काम नहीं होगा। बोलो क्या, फिर काम? तो लिखा, लोगों का ऐसे मन था, लोग अपना रुमाल अंगोछे कपड़े उसकी देह से छुआकर अपने मरीजों पर डालते थे। तो लिखा, मरीज क्या हो जाते? क्यों? क्योंकि लोग जानते थे कि ये किसका दास है। हाँ, बोलो, ये किसका दास है? समझ आ रही है? ये किसका दास है? किसने इसे नियुक्त किया अपने काम के लिए? समझ आ रही मेरी? तो ये लोगों का ऐसे फेथ था। बोलो क्या था? ये फेथ था। पर लिखा, कुछ लोग झाड़ा फूकी वाले करने वाले शिकवा के 7 यहूदी, तो वो भी देख करके, पौलुस तो जल्दी से ये काम करता, तो लिखा उन्होंने भी कहा, जिस पौलुस जिस नाम से तुम्हें कहता है इसमें से निकल जाओ। दुष्ट आत्मा थी किसी बंदे में, तो उन्होंने कहा, हम पौलुस को तो जानती हैं, यीशु को भी जानती हैं, तू कौन है? तो लिखा, उपद्रव कर लप कर शैतान ने उन यहूदी के जो 7 पुत्र थे उनका बुरा हाल किया और उस घर से वो नंगे दौड़े। क्या दौड़े? नंगे दौड़े, नंगे। समझ आ रही ना? क्योंकि वो अपनी बुद्धि से बिना यीशु पर विश्वास किए वो काम करने लगे, तो मसा ऐसे काम नहीं करेगा ना, क्योंकि अपनी बुद्धि से वो करने लगे, तो इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। तो आगे कैसे लिखा? ये बात इप्सुस में रहने वाले सब यहूदी और जनानी जान गए, उन सब पर बहस आ गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब
उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। आमीन। क्या होता गया? परमेश्वर का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। जब ये काम उन्होंने देखा, परमेश्वर के बड़े मिरेकल, बड़े कामों को देखा, हाँ क्या देखा? शिकवा यहूदी के वो 7 पुत्र थे, तो वो तो बिना यीशु पर विश्वास किए वो काम करने लगे, हाँ तो वो कह रहे निकल जा निकल जा, तो उनका बुरा हाल है। तो ये बड़ा काम देखकर लोगों ने ऐसे बड़ाई की परमेश्वर की, क्या की? तो बहुत सारे जो जादूगर थे, जो अपने उस जादू तांत्रिक टानू टूने से, जैसे आज भी संसार में करते हैं ना, लोगों के काम अच्छे करते हैं तो लोग जाते हैं ना अपने काम के लिए, उनके पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं ना, वो जादू टूना, वो भूत सिद्धि करने वाले जितने संसार में, तो उनके पास जाते हैं। हमारा ये घर में क्लेश है, हमारा काम नहीं चलता, मेरी बच्ची ऐसी है, इसकी शादी नहीं होती, इसके लगन बंधे हुए हैं, हाँ इसकी पत्री खिलाओ, इसका ये काम करो, उसका वो करो, तो लोग जाते हैं ना संसार में अपने काम के लिए, उनके पास, मनुष्य के पास, किसके पास जाते हैं? मनुष्य के पास जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जादूगर जो अपनी वो उन किताबों, वो पोथियां थी जिससे वो पढ़कर लोगों के क्या करते थे, जो वो पढ़कर दुष्ट आत्मा की चीज पढ़कर लोगों के क्या करते हैं उस पुस्तक से, तो लिखा जब उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को देखा तो उन्होंने अपनी सब पोथियां आग में जला दी। लिखा जब दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर था। आज के हिसाब से 50,00,000 के बराबर होगा। कैसे? 50,00,000 की चीजें, जैसे आज संसार में वो करते हैं ना जादू टूना वाले, तो उन्होंने अपनी पोथियां जला दी। किसके काम को देखकर? किसके काम को देखकर? समझ आ रही मेरी? पर ये बड़े काम कब लोग देखेंगे? जब लोग जो विश्वास करते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, जब उनका विश्वास, उनका प्रेम परमेश्वर के साथ बढ़ेगा। बोलो क्या बढ़ेगा? क्योंकि अगर हम 14:8 जो अभी हमने लुस्त्रा में परमेश्वर का बड़ा काम, राइकल, बड़ा चमत्कार देखा, जो परमेश्वर ने अपने दास पॉल के द्वारा वहां पे किया कि जब अंदरू लंगड़ी गया, तो वहां पे तो वहां पर तो पॉलस ने सही शिक्षा दी, सही जानकारी दी, क्योंकि वहां के लोग, उस लुस्त्रा के लोग पॉलस को परमात्मा का दर्जा देने लगे। क्या देने लगे? तो दर्जा कौन सा देने चाहिए? अगर आप मुझे परमात्मा का दर्जा, मुझे रब समझने लगे तो सारा कुछ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे आज भी इस संसार में हो रहा है। क्या हो रहा है इस संसार में? हो रहा है। बोलो क्या हो रहा है? ऐसे हो रहा है आज। इसलिए मैं किसी के पर दोष लगा रहा हूं। आज अगर आज कोई यीशु के नाम से कोई सेवक काम करता है तो वो लोगों को बताता है मैंने किया। किसने किया? मैंने किया। देखा मेरी प्रार्थना देना, हाँ क्या किया? मैंने किया, मैंने किया। नहीं, कौन करता है? तो इसलिए लुस्त्रा के लोग ऐसे कुछ बुद्धि से उसको परमात्मा का दर्जा देने लगे। इसलिए उन्होंने उन्हें समझाया कि हम भी आपके जैसे। बोलो क्या है? हम भी। पर अगर हम 5 की, जो अभी हमने 5 अध्याय में प्रेरितों की पुस्तक रसूला देकर था और 19 अध्याय की 11 में पढ़ा, तो इस दोनों वचनों को और जो 14 का वचन है, हम तीनों को अगर हम कंपैरिजन करें, उसकी तुलना करें, तो कुछ डिफरेंट है, कुछ फर्क है। वहां पे तो जो परमेश्वर का, जैसे मैं दास हूं तो परमेश्वर का दास पॉल भी है, पत्रस भी है। समझ आ रही है? तो वहां पे तो उन्होंने अपने आप को एक आम मनुष्य समझा, क्योंकि वो लोग परमात्मा का दर्जा देने लगे। पर वहां पे अगर हम 5 अध्याय में पढ़ते हैं और 19 में पढ़ते हैं, तो लोगों ने सही चीज, फिर उन दोनों चैप्टर में जब पढ़ते हैं तो उन्होंने सही फेथ किया। क्या किया? सही फेथ, सही विश्वास किया कि हाँ, ये परमेश्वर के ठहराए हुए क्या है, उसके दास हैं। बोलो क्या है?
ऐसा उनके अंदर विश्वास आया, नहीं परमिशन के साथ काम करता है, परमिशन से बात करता है। क्या करता है? परमिशन से बात करता है। तो ये बोलेंगे जो कहेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? तो मैं किसके बारे में आपको बताता हूं। तो लोगों ने ऐसे विश्वास किया ना, हाँ कि नहीं, है ना। तो कईयों को समझ नहीं आती, जैसे कई लोगों को समझ नहीं आती परमेश्वर के कानून की वो कौन है। बोलो क्या है? तो कई लोगों को हम समझाते हैं, ये कहां से आए, ये मुझे थोड़ा सा ध्यान से आ रहा है, चीजों है नहीं, ये इनको पूछो, ये जे वाले ये कहां से आए हैं? कहां से आए? हाँ इनको खड़ा करो, माइक आपके माइक कहां है सब? हाँ खड़े हो जाओ, बस कोई बात नहीं, हाँ जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ, बात कर पाओ। अभी देखना काम क्यों नहीं होता और काम कैसे होती है। क्या नाम क्या आपका? बल्लेओ आए जी। हाँ जी काके अपने ले आई जे बैठे। अच्छा ये आपका काका है? हाँ जी, हाँ बच्चा जी, है आपका? हाँ जी। क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? काला पी लिया वा। और क्या है? काला पी लिया, नशा करता। काला पी लिया और ऐसा क्यों हो रहा है? देखो हाथ काम बड़े हो रहे। ये मुझे वहां से लो, मैंने पहले भी बताया ना, मुझे पीछे से मत लिया करो। एक आकेट बड़ा ये इसे काला पी लिया और नशा करता है। हाँ। और क्या करता है? और बैठ। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसको छोड़ दो, शराब भी पीता है? हाँ जी। कितने समय से ऐसे? ये नू बावा चेर हो गया पीते। हाँ जरा पहले लॉकडाउन लग गया। नहीं कितने? अच्छा पहले मतलब लगभग 3 साल हो गए। हो गए। हाँ हो गए 3 साल। अभी भी इसके ऊपर हालात हैं? हालात ये बहुत क्लेश करता है। क्लेश भी करता है? हाँ जी। कोई काम धंधा भी नहीं करता? नहीं। के करता है? करता वा वो हो जा नहीं करता। करता। अच्छा ओके। हाँ जी। तो आपको बुरा भला बोलता है? बहुत ज्यादा। तो आप परेशान हो? हाँ जी। तो आप यीशु के पास आए हो? हाँ जी। तो क्या ये काम वो परमेश्वर कर सकता है? हाँ जी। कर सकता है? कर सकता है। जो जैसे पौलुस ने कहा, किसके बारे बताया? जो आकाश और पृथ्वी और स्वर्ग का क्या है? परमेश्वर जिसने समुन्द्र और जो कुछ बनाया, क्या बनाया है, तो वो काम कर सकता है। सुनो मैंने इन्हें क्यों खड़ा किया, क्योंकि एक दिन मीटिंग के बाद इनसे मेरी मीट हुई, ऐसे मेरे मैंने इनसे मिला मैं, तो मैंने परमेश्वर के बारे समझाया। तो जो जिस बात से काम होना है, बोलो क्या है, जिस बात से परमेश्वर ने काम करना है, मैंने जो समझाया, इन्हें समझ नहीं, ये एक ही चीज बोली आ रही, जो मैं समझ आ रहा हूँ कि परमेश्वर कौन है, ये कि बोलते हैं हाँ ओ ठीक है, ओ पर करो कृपा करो बच्चे ते ठीक हो जावे, बस जी मैं मेरिया तो अखा मतलब मैं बनवानिया सी, हाँ मैंने तो अपनी आंखें बनवानी थी, तो मैं तो वो भी नहीं गई, मैं तो आ गई, मुझे बताया किसी ने कि ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर इन्हें कुछ नहीं पता कैसे ठीक होगा, कैसे काम होगा। बोलो क्या है? कैसे ठीक होगा, कैसे काम होगा, इन्हें कुछ नहीं पता, समझ आ रही है, ये कुछ नहीं पता इन्हें, कुछ भी नहीं पता, इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा ज्ञान बिना प्रजा नाश हो रही, कुछ नहीं पता। अगर इन्हें समझ आ जाए कि ये जो मेरा बेटा है, जी जो नशा करता है इसे काला पी लिया है, बोलो क्या है, जी जो नशा करता है ये इसे जो काला पी लिया है, बोलो क्या है, तो मैं क्या करूं, बोलो क्या करूं, मैं क्या करूं। जैसे मान लो जैसे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर को अपनी सारी पांव से लेकर सिर तक अपनी सारी वो स्टोरी बता देते हैं, ऐसे होते हैं, ये खाते हैं ऐसे होते हैं, चाय पी आते होते हैं, रोटी खाएं, अगर मैं ऐसे लेटूं तो ऐसे होती हैं, सुबह उठूं तो यहाँ पे ऐसे होती हैं। डॉक्टर को पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग अपनी फिजिकल जीवन के बारे अब सारा कुछ बता देते हैं, क्या है? पर आत्मिक जीवन के लिए वो ये नहीं कभी भी लोग पूछते कि हमें बताओ हमने क्या करना है, हम कैसे विश्वास करें, कैसे प्रार्थना करें, हमें बताओ। किसी तांत्रिक बाबे के पास जाएं तो उसे भी ये पूछेंगे, अगर वो बोले 4 बजे उठकर
ये नहाना है, जैसे लोग चौक में वो बच्चे नहीं हो जिनके होते, वो कहते हैं नहाओ तो आपके बच्चा हो जाएगा। हाँ, आप वो जो क्या होता है झाड़ू चुराहे में क्या कर दो, वहां पे अंडे रख दो, ये कर दो, हाँ पता नहीं क्या क्या जो जो बोलेंगे, तो लोग बड़े विश्वास से वो चीज करेंगे। क्या करेंगे लोग? बुद्धि से करेंगे और समझ से करेंगे। हाँ, जल्दी से वो 3 बजे भी उठेंगे। क्या उठेंगे? जल्दी से 3 बजे भी उठेंगे कि 4 बजे का टाइम दिया बाबा जी ने तो क्या करना है। अगर मैं कहूं यहां पे 10 बजे आना है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाबा जी से आना तो एक मनुष्य लिखा, उसका उसका भी कल को सांस निकलेगी, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, फिर क्या करोगे? क्योंकि तो हमारा परमेश्वर कौन है? जीवित परमेश्वर। बोलो क्या है हमारा परमेश्वर? जीवित परमेश्वर। तो आप किस पर विश्वास करते हैं? अगर आपको उसकी समझ नहीं आई, बोलो क्या है? क्योंकि संसार की चीज हम देखो, इसीलिए परमेश्वर का जिससे बुद्धि की कमी वो किससे मांगे, तो मांगनी चाहिए। मैं अभी तक मांग रहा हूं परमेश्वर, आज अपने और मुझे अपने कामों के लिए और समझ में बढ़ाओ, और मुझे समझ में बढ़ाओ। तो अगर मैं मांग रहा हूं तो आपको जरूरत है कि नहीं कि मेरे से ज्यादा हीरो हो आप, कि ज्यादा हीरो हो? बोलो ज्यादा हीरो। तो मांगनी चाहिए कि नहीं? देखो यही चीज है, अगर आपको ये समझ आ जाए सब लोगों को, क्योंकि हमने आपको को ऐसे बना लिया ना, जैसे यीशु मसीह के कुछ ऐसे नपुंसक है, नपुंसक मतलब समझे जैसे वो क्या होते हैं, तो वो ऐसे कुछ नपुंसक हैं जो परमेश्वर के राज्य के में क्या नहीं बढ़ सकते, जा नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे नपुंसक हैं, समझ आ रही है? तो कुछ लोगों ने ऐसे ही अपने मन को, जैसे कुछ लोगों ने नपुंसक बना लिया ना, ऐसे अपने आप को क्या बना लिया, नपुंसक समझे। जैसे एक मर्द होता है तो वो क्या आज भी संसार में मर्द औरतें बन रही हैं? बोलो क्या है? जो मर्द होते हैं ना, मर्द वो अपने ऐसे औरतें बन रही हैं, अपने अंगों को कटवाकर। बहुत कुछ हो रहा है इस संसार में, इतना पाप क्या कर रहा है। एक तो खुसरे होते हैं ना, खुसरे एक तो वो होते हैं, एक आज इस संसार में ईश्वर जी का कुछ लोगों ने ऐसे नपुंसक और ऐसे उनके जैसे बन गए। तो आज भी इस संसार में कुछ लोग ऐसे बन रहे हैं। तो कुछ लोग, मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं कि कुछ लोगों ने अपने मन ऐसे बना लिए कि जो चीज परमेश्वर करने के लिए कहते हैं करो वो करते नहीं, बस वो अपनी उस चीज पर टिके, अपनी उस मन, बस हमने यही करना है, इससे आगे नहीं। हमने 11 बजे आना, हमने तो 11 बजे ही आना है। हाँ बाबा जी बोले 4 बजे उठ के करो तो करेंगे। हाँ बाबा जी 4 बजे उठ के बोलेंगे तो करेंगे, पर यहां पे 11 बजे से हम पहले कभी नहीं आएंगे। 12 बजे से पहले, 11:30 से पहले कभी नहीं आएंगे। अगर आप इन चीजों में बढ़ गए, क्या बढ़ गए? बोलो क्या आगे? बढ़ गए तो फिर देखना क्या होगा। बोलो क्या है? अगर आपको समझ आ गई कि चीजों में बातें बताता हूं मैं कौन हूं, आपको समझ आ गई कि मैं किसका ठहराया हुआ चुना हुआ किसका दास हूं, परमेश्वर क्या करता है मेरे मुंह से। अभी मनप्रीत आपको बता रही ना, परमेश्वर जैसे मैं बताता हूं टेंट से नहीं, हवा से, इन पाइपों से बात नहीं करेगा, वो किससे बात करेगा? किससे बात करेगा? तो किससे बात करेगा? तो अगर आप परमेश्वर मेरे मुंह से आपको सिखाता है जो जो भी नियम है आज्ञा है, इसलिए मैं कह रहा हूं ना संडे, ये जो संडे का सर्मन है बड़ा पावरफुल है, देखना लोगों की बुद्धियां खुलेंगी, ऐसे लोगों को समझ आएगी कि हमने करना क्या है परमेश्वर के लिए। बोलो क्या है? फिर देखना क्या होगा, क्योंकि समझ नहीं आ रही। और जिस दिन ये चीज लोगों की समझ में आ गई, जैसे उन लोगों की हाँ समझ में आ गई कि हम ये प्रभु के दास हैं, ये इनका परछामा भी पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? चंगे हो जाएंगे। वो उसकी देह पर अंगोछे रंबाल शुवाकर लेकर जा रहे हैं और डाल रहे हैं अपने मरीजों पर, क्या डाल रहे हैं? तो उन्हें फेथ है, लिखा कईयों की दुष्ट आत्मा निकल गई है। हाँ यहां पे मैं हीलिंग प्रेयर करता हूं, बहुत से ऐसे ताकत से करता हूं, ताकत से करता हूं कि नहीं? अरे एनर्जी लगती है ना ऐसे जब मैं बोलता हूं, तो जब मैं बोलता हूं बड़े विश्वास के साथ बोलता हूं, तो कई लोग जो शरीर में होते हैं तो वो कुछ लोग तो बैठे रहते हैं, तो कुछ लोग शरीर में वो उनका विश्वास ही पहले का ना
वो ऐसे बैठे हुए हैं, वो ये नहीं कह रहे कि परमेश्वर मुझे छू रहे, अगर तू अपने दास के मुख से बोल रहा है तो मेरे जीवन को छू, छू मेरे, तो वो बैठे रहेंगे, वो हिम्मत नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे। जैसे 12 साल की स्त्री के मन में आया कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, तो वो कमजोर थी, वो फिर भी पीछे पीछे दौड़ी, भीड़ में जा घुसी, धक्का लगा और नीचे गिर गई, ऊपर से लोग गुजर रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है, क्या हो रहा है, अब खून निकलने लगा है, ऐसे हिम्मत नहीं छोड़ी जैसे आज छोड़ देते हैं, पहले पहले थके हुए घर से पहले आते हैं। अरे परमेश्वर बड़े कामों को करना चाहता, बड़ा फेथ लेकर आओ। अभी आपने बड़ा काम देखा कि नहीं, अभी वो उसे दौरा पड़ा, मैंने कहा आप अपनी जगह पर बैठो, वो दो मिनट में क्या जाए, अभी मैं बोल ही रहा हूं तो वो उठकर भी आ गया, क्या आ गया, वो उठकर भी आ गया। यही चीजें जिस दिन ये आपकी बुद्धि में ये मन में आ गई कि नहीं ये परमेश्वर की कौन है, ये जो बोलेंगे जो कहेंगे वो होगा, अगर ये बोल रहे हैं ऐसे, ये कह रहे हैं रसौलियां जाएं, पत्थरियां जाएं, हालात जाएं, ये हो वो, यस यस परमेश्वर, यस मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। अगर आप मुझे समझ रहे हैं, मैं क्या हूं, मैं हूं तो मैं मनुष्य, पर किसका ठहराया हूं, किसका चुना हूं, किसने मुझे अनॉइंट किया, किसने मुझे नियुक्त किया इस काम के लिए, समझ आ रही है। अगर आपको इस मंडली को समझ आ गई ना, ये मंडली जो 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 परमेश्वर ने इस बात की सुविच्छा को मेरे मन में लगाया है, क्या लगाया है, लिखा ना परमेश्वर अपनी इच्छा और सुविच्छा अपने नेक काम के इरादे को पूरे करने का प्रभाव कौन डालता है, कौन डालता है। तो ये जो मैं हर जैसे प्रेर के बारे हमने दो हफ्ते सुना, तो आज अभी ऑनलाइन के बारे हम सुन रहे हैं, समझ आ रही है। तो आपको ये अगर समझ आ गई, क्या आ गई, कि जो मैं आपको बताऊंगा आपने करना है, फिर देखना क्या होगा, बोलो क्या होना है। अभी मैं इस संडे मैं खुद आके 10 बजे की जो प्रेयर है, हम 10 बजे लाइव शुरू करेंगे संडे, और मैं खुद आकर प्रेयर करूंगा, और जो वर्शिप है मैं आपके बीच होकर करूंगा, मैं भी आपके साथ खड़ा हूंगा यहाँ पे, क्या होऊंगा, बोलो क्या है। इस संडे ये परमेश्वर चीजें डालता है, मैं अपनी बुद्धि से नहीं करता, इस संडे मैं खुद 10 बजे आकर प्रेयर करूंगा, और मैं वर्शिप आपके बीच में यहीं पे खड़े होकर करूंगा, चाहे वो एक घंटे की है, चाहे डेढ़ की है, चाहे कितने की भी, देखना मैं करूंगा, क्या करूंगा, समझ आ रही है। कई लोगों को देखकर भी नहीं समझ आते, इसीलिए ये चीजें हो नहीं रही। बड़ा मन जब रखोगे तो बड़े कामों को देखोगे। आमीन आमीन। तैयार हो, बोलो तैयार हो इन बड़े कामों को देखने के लिए, बड़ी महिमा को देखने के लिए, तैयार हो, अपने हाथों को उठाओ, अपने स्थानों पे खड़े हो जाओ, धन्यवाद करो परमेश्वर का इन सब वचनों के लिए, इन सब बातों के लिए, करो करो दिल से धन्यवाद करो परमेश्वर का कि तू महान है परमेश्वर। आज का जो वचन तूने मुझे दिया, जितने ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, जो परमेश्वर तूने आज का वचन जो तूने हमें दिया हमारी उन्नति के लिए, हमारी हमारे छुटकारे के लिए, हमारी आशीष के लिए, परमेश्वर मांगो परमेश्वर से, ऐसे दिल से खुदा का धन्यवाद करो कि परमेश्वर हमें समझ आई है, हमें समझ आई है कि परमेश्वर ये तेरे चुना हुआ एक तेरा दास है। तो अपनी बातों को परमेश्वर जो तू देता है परमेश्वर, वो मेरी उन्नति के लिए, मेरे छुटकारे के लिए, मेरी ब्लेसिंग के लिए, मेरे आगे जीवन में आगे जाने के लिए, बड़े हालातों से मुझे लड़ने के लिए, मेरे सब जीवन के दुखों को मटाने के लिए, जो बातें आज खुदा तूने मुझे दी हैं, इसमें बोलो मैं बढ़ूंगी, मैं बढ़ूंगा। आज परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर जो तेरा दास तेरी बातें हमें बताता है वो तेरी है, वो तेरी है, वो तेरी है परमेश्वर, वो तेरी है, और जो तेरी बातें हैं वो बड़ी हैं।
जो तेरी बातें वो बड़ी है, वो हमारी जीवन की उन्नति के लिए है। आज से मैं परमेश्वर तेरे दास के मुंह से आई हुई हर एक बात का आदर करूंगी, उसे मानूंगी, मानूंगा। सब बोलो मैं मानूंगी, मैं मानूंगा। हमें वो जो भी कहेंगे, अगर वो हमें 4 बजे यहां पे आने के लिए कहेंगे तो हम आएंगे। सब बोलो हम आएंगे। हम उनकी सब परमेश्वर जो तू अपनी उन आज्ञाओं को जो अपने दास के मुंह से तू बोलकर हमारे जीवन को अच्छा करना चाहता है, हम आज से मानेंगे और बढ़ेंगे। अगर ये हमें कहेंगे कल भी आना है तो हम तब भी आएंगे, हम तब भी आएंगे, हम आएंगे परमेश्वर से। हम किसी भी चीज के लिए अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, वो जो कहेंगे हम उस वचन को पूरा करेंगे, क्योंकि उनकी बातें वो तेरी है। जैसे परमेश्वर तू अपने दास मूसा का मुंह बनकर बोला, आज भी परमेश्वर तेरे दास अमोस ने जैसे कहा कि परमेश्वर अपने दास भिक्षुकताओं के बिना अपनी मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करेगा। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो दिल से इन सब बातों के लिए, और अपने मनों को तैयार करो, अपने अंदर वो विश्वास लेकर आओ, बड़ा विश्वास लेकर आओ, बड़ा विश्वास लेकर आओ, बड़ा विश्वास लेकर आओ, बड़ा विश्वास लेकर आओ, जो परमेश्वर जो आपके लिए मरा और मर के जी उठा है, जिसने आपके सब दुख तकलीफों को अपने ऊपर उठा लिया है। मैंने कहा जिसने आपके सब दुख तकलीफों को अपने ऊपर उठा लिया है, उसका विश्वास करो। अपने मन से अंदर डर को निकालो। मैंने कहा अपने मन के अंदर से उस डर को निकालो और बड़ा विश्वास लेकर आओ। बाबा ना कर रहा बाबा 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 ले सका नहीं अंदर ना ना कर रहा बाबा बाबा ले सका रहा बाबा बाबा। हर ओ अंधकार की दुष्टात्मा है, चाहे वो जादू की है, नशे की है, विप्याचार की है, जादू टूने की है, सांपों की है, मैं क्या करता हूं यीशु के नाम से, मैं क्या करता हूं यीशु के नाम से, मैं क्या करता हूं यीशु के नाम से। वो हर अंधकार की दुष्ट आत्मा है, चाहे वो जादू की, टूने की, सांपों की, नशे की, यीशु के नाम से आपके जीवन से आउट, पूरी तरह से हर अंधकार की दुष्ट आत्मा है, उस मस्से से मैं पार करता हूं आपकी बॉडियों से। अगर आप अपना फेथ दे रहे हो, अपना विश्वास दे रहे हो, तो वो उखड़ रही है, वो दुष्ट आत्मा है। मैंने कहा वो उखड़ रही है, मैंने कहा वो उखड़ रही है, और आप आजाद हो रहे हो। ओ चाहे वो बीमारी का आत्मा क्यों नहीं है, चाहे वो कर्ज का क्यों नहीं है, वो डले का आत्मा क्यों नहीं है, वो जा रहा है। मैंने कहा जा रहा है, वो जा रहा है। हर आलस का, वो सुस्ती का, हर आलस और सुस्ती का आत्मा आपको छोड़कर जा रहा है। आप आजाद हो रहे और चंगे हो रहे हो, आप आजाद हो रहे और चंगे हो रहे हो, आप आजाद हो रहे और चंगे हो रहे हो, आप आजाद हो रहे और चंगे हो रहे हो, यीशु के नाम से आज। मैंने कहा आप आजाद हो रहे और चंगे हो रहे हो। वो दुष्ट आत्मा ही जो आपके जीवन पर अटैक करती है, वो जा रही है, वो यीशु के नाम से आपको छोड़कर जा रही है। मैंने कहा वो जा रही है, वो जा रही है, जो आपके सपनों में आती है, आपके सपनों में आकर गलत रिलेशन बनाती है, कमांड करो यीशु के नाम से आउट, बोलो से आउट। हर अंधकार की आत्मा है जो मेरे सपने में आकर मुझसे रिलेशन बनाती है, आउट, कमांड करो यीशु के नाम से, निकल जा मेरी सोचों से, मेरे दिल दिमाग से, मेरी बॉडी से, बोलो से आउट, बोलो निकल जा, बोलो निकल जा, मेरी फैमिली से, मेरे घराने से, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार में से, मेरे पति के जीवन से, निकल जा, बोलो 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 निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है, बोलो तेरा शैतान कोई अधिकार नहीं है, बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं है, बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरे घराने पर, मेरे परिवार पर,
मेरी फैमिली पर, मेरे बच्चों पर। बोलो शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है, बोलो शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु की बेटी हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटा हूँ। उसने अपना लहू देकर मुझे मोल लिया है। उसी विश्वास के साथ आज शैतान अपने जीवन से, बोलो बीमारी मैं तुझे कहती हूँ चली जा, बोलो 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 बीमारी चली जा, बोलो बोलो कैंसर को बोलो, शुगर को बोलो, बोलो चली जा, बीपी को बोलो चली जा, पेट की इन्फेक्शन को, लीवर की इन्फेक्शन को, गुर्दों की, किडनी की इन्फेक्शन को बोलो चली जा, बोलो चली जा, यीशु के नाम से चली जा, बोलो चली जा, चली जा। कानों के रोग को बोलो चला जा, आंखों के रोग को बोलो चला जा, मोतियों को बोलो चला जा, काला मोतियों को बोलो यीशु के नाम से चला जा, बोलो चला जा, चिट्टा मोतियां बोलो चला जा, बोलो बोलो चला जा, चला जा। हर एक उस दर्द को जो आपकी बॉडी में, जो जकड़न है, जो दर्द है, जो पीड़ा है आपकी बॉडी में है, मैंने कहा आपकी बॉडी में जो दर्द है, जो पीड़ा है आपके शरीर में, किसी भी कोने में, हिस्से में जो आज दर्द है, उसे बोलो चली जा, बोलो चली जा, यीशु के नाम से बोलो दर्द को चली जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं है, बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं। उस दर्द को, उस बीमारी को जाने की आज्ञा करो, बोलो चली जा, बोलो चली जा, बोलो चली जा। हर दौरे की आत्मा बोलो चली जा, बोलो हर दौरे की आत्मा चली जा, चली जा। बाबा सिर के रोगी बोलो बाबा सिर चली जा, बोलो चली जा। कैंठिया के रोगी बोलो कैंठिया चला जा, बोलो चला जा। हड्डियों के रोगी, हड्डियों की दर्दों से बोलो सब हड्डियों की दर्द खत्म हो जाए, हड्डियों के रोग खत्म हो जाए, छोटी बड़ी हड्डियां सही हो जाए, सही हो जाए, सही हो जाए, सही हो जाए। मेरी स्किन की एलर्जी खत्म हो, बोलो यीशु तेरे नाम से खत्म हो, तेरे कोड़ों से खत्म हो, मेरी स्किन की एलर्जी खत्म हो, खत्म हो। आज आज ही परमेश्वर बोलो खत्म हो, खत्म हो, खत्म हो। मेरी बच्चियों के जीवन से, मेरी फैमिली के जीवन से बोलो खत्म हो, खत्म हो, खत्म हो यीशु के नाम से। अगर आप बड़ा विश्वास कर रहे हो, धन्यवाद कर रहे हो, इन बातों को ग्रहण कर रहे हो, तो परमेश्वर की ग्रेस आपको छू रही है, उसका मसा आपको छू रहा है। मैंने कहा उसकी ग्रेस आपको छू रही है, उसका मसा आपके जीवनों को छू रहा है। आप आजाद हो रहे हो, आप चंगे हो रहे हो, आप गवाही से आओगे। अगर आप फेथ कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, तो आपके कानों के रोग खत्म हो रहे हैं, आंखों के रोग खत्म हो रहे हैं, आपकी बॉडी में, हिस्से में, जहां भी पेन है वो खत्म हो रही है। मैंने कहा वो खत्म हो रही है, मैंने कहा वो खत्म हो रही है। वो रीढ़ की हड्डी का दर्द जा रहा है, वो रीढ़ की हड्डी के मने दब, जो जो मन के दब चुके हैं वो सही हो रहे हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी का दर्द पूरी तरह से आपको छोड़कर जा रहा है, वो जा रहा है। कंधों का दर्द, सर्वाइकल के रोगी, थायराइड के रोगी आजाद हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। मैंने कहा चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। मैंने कहा चंगे हो रहे हैं। अगर आप बड़ा विश्वास देख रहे हो, बड़ा मन लेकर आ रहे हो, बड़ी बातों पर विश्वास कर रहे हो, आज काम चाहे आपका कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई बड़ा नहीं है। मैंने कहा आपका काम, आपकी बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई बड़ी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है। मैं आपके लिप्स की हीलिंग को होते हुए देख रहा हूँ, मैं आपके लिप्स की हीलिंग को होते हुए देख रहा हूँ, मैं आपके लिप्स की हीलिंग को, आपकी होठों की हीलिंग को होते हुए देख रहा हूँ। विश्वास करो और धन्यवाद करो हर चीज के लिए, हर चीज के लिए धन्यवाद करो कि परमेश्वर तू मुझे छू चुका है। ये बीमारी मेरे लिए नहीं है, बोलो ये रोग मेरे लिए नहीं है, ये बीमारी मेरे लिए नहीं है, ये शुगर मेरे लिए नहीं है, ये बीपी मेरे लिए नहीं है, बोलो ये नहीं है, नहीं है, ये कर्ज मेरे लिए नहीं है, ये बीमारी मेरे लिए नहीं है, क्लेश मेरे लिए नहीं है, ये क्लेश मेरे लिए नहीं है, दुश्मन जो मेरे हैं वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, मेरे जो मेरे दुश्मन है वो नहीं है। परमेश्वर तेरे नाम से मेरे दुश्मन मित्र बन चुके हैं, मेरे दुश्मन तेरे नाम से वो शर्मिंदा हो और मेरे मित्र बन जाए, वो मेरे मित्र बन जाए। जो मेरे दुश्मन है तेरे नाम से प्रभु वो मेरे मित्र बन जाए, मेरे गली के, मेरे मोहल्ले के, मेरे अपने लोग वो मित्र बन जाए, वो मित्र बन जाए प्रभु तेरे नाम से, मित्र बन जाए प्रभु, मित्र बन जाए, बोलो मित्र बन जाए, सब बोलो मित्र बन जाए,
मित्र बन जाए, हार्ट के रोगी अच्छे हो जाए, हार्ट के रोगी मैंने कहा अच्छे हो जाए, आपके हार्ट के रोग जाते रहे, मैंने कहा हार्ट के रोग जाते रहे, जो चीजें आपको दबाती है आत्मिक जीवन में बढ़ने में, परमेश्वर की हजूरी में बढ़ने के लिए आने के, जो चीजें आपको दबाती है आज वो हर बोझ, हर वो चीज दबाने वाली चीज मैं देख रहा हूँ आपको वो चीजें दबाती है, आपको प्रभु की हजूरी में आने से वो रुकावट देती है, आपको वो आत्मिक जीवन में बढ़ने में वो दबा रही है, और वो हर चीज जो आपको दबा रही थी आज वो आपके जीवन पर, वो हर नेगेटिविटी का प्रभाव खत्म हो जाए। मैंने कहा खत्म हो जाए यीशु के नाम से, मैंने कहा खत्म हो, मैंने कहा खत्म हो, उसे कैंसिल करो यीशु के नाम से, मैंने कहा कैंसिल करो यीशु के नाम से, कैंसिल करो यीशु के नाम से। बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं है उस बोझ को, बोलो उस बीमारी को, बोलो जो आपको दबाती है परमेश्वर की हजूरी में उसके प्रेम में बढ़ने के लिए आपको दबाती है, उस पैसे की मुश्किल को बोलो, बोलो 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 उस पैसे की मुश्किल को, मेरा परमेश्वर वो मेरे लिए कंगाल बना ताकि मैं धनी हूं। बोलो उस, बोलो बोलो उस मन को, अपनी मुश्किल को आज से बोलो परमेश्वर से कमिटमेंट करो, मैं नहीं रुकूंगी, मैं नहीं रुकूंगा, मैं बढ़ूंगा। आओ शैतान को बोलो, बोलो बोलो शैतान को, बोलो 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 तेरा कोई अधिकार नहीं है, अधिकार के साथ बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं है, राइट नाउ से आज्ञा करो जाने के लिए, बोलो 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 अपने जीवन से जो आपके मन में वो बातें डालता है, वो कहता तेरा गुजारा नहीं होगा, तू कैसे चलेगा, तेरे बच्चे हैं, तेरा घर कैसे चलेगा, तू गरीब है, उस शैतान को बोलो, उस मन को बोलो, नहीं मैं गरीब नहीं हूँ, मैं अपने पिता की संतान हूँ, मेरा बाप राजाओं का राजा है, मैं उस अमीर बाप की संतान हूँ, बोलो बोलो मैं उस अमीर बाप की संतान हूँ जो राजाओं का राजा है, जो मेरे लिए कंगाल बना और मुझे धनी बनाया। बोलो 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 हर चीज के लिए जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए अपने बेबी के लिए, अपने बेबी के लिए धन्यवाद करो, अपने बेबी के लिए धन्यवाद करो, और बोलो कि परमेश्वर यीशु के नाम से तू मुझे वो बच्चा दे चुका है, अपनी महिमा की गवाही के लिए, लोगों के मुंह बंद करने के लिए तू अपनी महिमा के लिए मुझे वो आशीष बच्चे की दे चुका है, जिससे तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम मेरे जीवन से महिमा पाए और लोगों में एक बड़ी गवाही हो, बोलो लोगों में बड़ी गवाही हो, बोलो बोलो बोलो। अगर आपका मन उस चीज को प्राप्त करने के लिए उस आशीष को आगे पीछे कर रहा है तो अपने मन को शांत कराओ, बोलो चुप हो जा, मेरी आशा मेरे परमेश्वर से है, बोलो चुप हो जा, मेरी आशा मेरे परमेश्वर से है और वो मुझे दे चुका है, मेरे बच्चों की शादियां अच्छे घराने में हो चुकी है, मेरा घर बन चुका है। बोलो बोलो अपने मन से, अपने अपने मन से बोलो मेरे बच्चों की शादियां अच्छे घराने में हो चुकी है, बोलो अच्छे घराने में हो चुकी है और मेरा घर बन चुका है, मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन कर चुके हैं यीशु के नाम से, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर चुका है। सब दिल से धन्यवाद करो अपनी हर एक चीज के लिए, अपनी हर जरूरत के लिए, आज परमेश्वर आपके बीच है, वो मौजूद है, आपके मन को देख रहा है, आपकी बीमारी को देख रहा है, आपकी तकलीफ को वो देख रहा है, उसने कहा मैं खड़का रहा हूँ, मैं तेरे दिल का कुटकुंडा खड़का रहा हूँ, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ, तू मन को खोल आस, तू आज मन को खोल, अपने अपने हृदयों को खोलो, अपने मन को खोलो परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके भवन के लिए, उसके कामों के लिए। मैंने कहा अपने मन को खोल दो आस, अपने मन को खोलो, परमेश्वर आपकी सुनेगा, आपके रस्तों को खोलेगा, जो काम नहीं बन रहे भेंट के बलिदान से भी होंगे, मैंने कहा उस भेंट के बलिदान से भी आपके बड़े काम होंगे, मैंने कहा आपकी वो काम भेंट की बलिदान से भी बड़े काम होंगे, वो होंगे होंगे, मैंने कहा होंगे। लापा साकार रा बाबा, थैंक यू जीसस, करते हुए धन्यवाद करो इन सब बातों के लिए, धन्यवाद करो, 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 जो आपकी बॉडी में वीकनेस कमजोरी है, आपके पैरों के तले जो जो ऐसे सिक है, जो कमजोरी है आपकी तलियों में, उस चीज के लिए भी धन्यवाद करो, हर चीज के लिए करो, हर चीज के लिए धन्यवाद करो कि परमेश्वर तू मुझे छू चुका है, ये बीमारी मेरे नहीं है, ये हालात मेरे लिए नहीं है, बोलो बोलो ये हालात मेरे नहीं है,
यीशु मसीह तेरे नाम से, बोलो बोलो यीशु मसीह तेरे नाम से, मेरा बच्चा अच्छा हो चुका है, मेरा बच्चा अच्छा हो चुका है, बोलो बोलो दिल से कहो, मेरा बच्चा अच्छा हो चुका है, मेरा बच्चा अच्छा हो चुका है, मेरा बच्चा अच्छा हो चुका है, बना रखा बाबा 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 बना करना की निशा कला बाबा 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 लिबर रखा बाबा 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 लिबर इनी सखरा कोला बाबा 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 चल शैतान इसके जीवन से, जो तूने इसके जीवन पर जो कब्जा किया है, तूने जो इसके जीवन पर शैतान कब्जा किया है, अंधकार की गंदी आत्मा, नशे की, व्यभिचार की, दुष्टता की, जादू की, टूने की, आउट! यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा करता हूँ, गंदी आत्मा इसके शरीर से निकल जा, आउट! शट, शट! और इतना से इसकी बॉडी से, आज से मैं तुझे बाहर करता हूँ शैतान, मैं आज्ञा करता हूँ जाने के लिए, आउट, आउट! चल गंदी आत्मा इसके शरीर से, इसकी बॉडी से, जितने लोगों के बच्चे नशा करते हैं, पति नशा करते हैं, वो विश्वास करो कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मेरा पति, मेरे बच्चे आजाद हो चुके, बोलो आजाद हो चुके, आमेन, आमेन, आमेन। कितने लोगों ने विश्वास किया, कैसा हो चुका है आज, बड़ी बातें जो परमेश्वर ने आपके लिए बोली है, अगर आपने फेथ से, विश्वास से ली है, इसलिए परमेश्वर कहते हैं बुद्धि का सहारा नहीं लेना, क्या नहीं लेना, बुद्धि का सहारा नहीं लेना, अगर आज आपने विश्वास से इन चीजों को ग्रहण किया है वचन के मुताबिक, तो सब कुछ ऐसा हो चुका है, आप अपने कामों को खुलते हुए देखोगे, आपके दुश्मन मित्र बनेंगे, हर एक चीज जो रुकी है, आज से जो परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया है, देखना ये बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम से, ये बहुत लोग बढ़ेंगे, और जितने लोग उस वचन को कि ये खुदा का दास है और जो कह रही है मैंने मानना, उसे पूरा करना है, उनके साथ ऐसा होगा, मैंने कहा उनके साथ होगा, और वो लोग परमेश्वर की बड़ी भलाइयों को, बड़े कामों को, बड़ी बरकतों को, बड़े छटकारों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। ये पेट पर हाथ रख लो, हर अंधकार की रसौलियां, गिल्टियां, पथरियां, आउट, बोलो आउट, सब रसौली, पथरी, गिल्टी यीशु के नाम से, बोलो आउट, तेरा कोई अधिकार नहीं, बोलो कोई अधिकार नहीं, बोलो कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, बोलो कोई अधिकार नहीं तेरा शैतान, कोई अधिकार नहीं, फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड द नेम ऑफ जीसस, चंगे हो जाओ सब, अब सब चंगे हो जाओ आज यीशु के नाम से, आमेन। और जो लोग परमेश्वर की प्रेस करना चाहते हैं, अपनी गवाही देना चाहते हैं, जल्दी से आ जाओ, ताकि जो बाकी का विषय है, जो बाकी का काम हम जल्दी से पूरा कर लें, जल्दी से जिन्होंने आकर खुदा की महिमा करनी है, जो भी खुदा ने आज आपके जीवन में काम किया है, जल्दी से हालेलुया। तो प्रेरित जी, जी बहन बता रहे कि रात से इनके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, और जब बता रहे कि जैसे इन्होंने हीलिंग प्रेयर में अपना मन लगाया, उसी समय प्रभु की ग्रेस ने इनको शुआ जी अभी बिल्कुल उस दर्द से फ्री हो चुके। हम सब एक चीज सुनो, देखो ये नहीं है कि दर्द एक छोटा काम है, बोलो क्या है, ये नहीं है कि दर्द एक छोटा काम है, लंगड़ा चले तो बड़ा काम है, अंधा देखे तो बड़ा काम है, अंधे भी देखेंगे और लंगड़े भी चलेंगे, बोलो क्या है, अंधे भी देखेंगे और लंगड़े भी
चलेंगे और ये परमेश्वर करेगा। बोलो क्या करेगा? ये परमेश्वर करेगा। बोलो क्या करेगा? ये परमेश्वर करेगा। बड़े कामों को वो प्रकट करेगा। और आपका बड़ा विश्वास है, बड़ा मन है, तो बड़े कामों को होते हुए देखो। अगर आप सोच रहे मैं गरीब हूं, मैं लाचार हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आप किसकी संतान हो? आपका बाप कौन है? हाँ तो बताओ, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट। हालेलुया। तो प्रेरित जी, जो सिस्टर बता रहे कि 3-4 दिन से इनके पूरे फेस पर बहुत ज्यादा खारिश की प्रॉब्लम थी, और जैसे जो बता रहे कि सुबह से, रात से और सुबह के टाइम भी इनके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द थी, और जब बता रहे कि जैसे हीलिंग में इन्होंने अपना मन लगाया और जब सुबह से संगति में बैठे, जब बता रहे कि अभी उस समय से इनके फेस में कोई खारिश नहीं है और ना ही हाथों में दर्द है। परमेश्वर ने पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से इनको आजाद कर दिया। जोर से हालेलुया। तो प्रेरित जी, जो सिस्टर बता रहे कि जब भी हीलिंग होती थी, जब भी जो मीटिंग में आते थे, तो जो बता रहे कि जो पूरी हीलिंग के टाइम में खड़े नहीं हो पाते थे और इनके टांगों में बहुत ज्यादा दर्द होती थी, और जो बता रहे कि आज जो पूरी हीलिंग में इन्होंने बताया कि जो खड़े रहे और विश्वास के साथ इन्होंने हीलिंग को रिसीव किया, और आज ये बता रहे कि कोई भी इनकी टांगों में दर्द या परमेश्वर ने उस दर्द से इनको पूरी तरह से फ्री कर दिया। बड़ा काम किया। हाँ, आइए पूरी, कभी भी जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो ये खड़े नहीं रह सकते थे। बोलो क्या, ज्यादा देर? देखो, जैसे ही आप अपना फेथ, अपना विश्वास बढ़ाओगे, आइए पूरी जब मैं प्रार्थना करता बैठे नहीं, खड़े रहे। ऐसे ही जब ये चीजें आपके मन में, अंदर में आ जाएगी, ये वाला फेथ, ये वाला मन, नहीं मैं प्रभु की बेटी हूं, उसने मेरे लिए कोड़े खाए हैं। क्या खाए हैं? उसने मेरे लिए कोड़े खाए हैं। जब ये चीज आपके मन के अंदर आ जाएगी ना, देखना फिर क्या होगा। 40 साल वाले बंदे को 50 वाले वो 20 साल जैसा भी बना देगा। क्या बना देगा? हाँ, जो 50 साल का उसको 20 साल वाला भी, और जो 100 वाला उसको वो 40 वाला भी बना सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। इस बड़े काम के लिए जोर से महिमा करो खुदाखंड। खुशी से देखो, जो औरत इतने समय से ये उसकी प्रॉब्लम बनी थी, आज ऐसे ही चीज को पकड़ा और फेंक दिया, आज बड़ा काम किया और सबके साथ करेगा, क्योंकि वो किसी का पक्षपात है ऐसे नहीं। एक के सुनो, ध्यान से सुनो, एक से उसने प्रेम किया कि सबसे एक जैसे किया सबने? जब सब एक जैसे बन जाएंगे तो देखना क्या होगा।